मुल्क के 1% गवर्नमेंट मेडिकल सीट शाहीन बीदर कैंपस से दे रहे हैं हम, कंट्री के 1% गवर्नमेंट मेडिकल सीट कर्नाटका स्टेट के, और मोर देन 12% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट, गवर्नमेंट सीट थ्रू नीट एग्जामिनेशन शाहीन बीदर से दे रहे हैं, और हम पूरे इंडिया के ड्रॉप आउट बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक बहुत ही ख़ास डिपार्टमेंट AICU अकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट बहुत बड़ा काम कर रहा, इसके ज़रिए मदरसों में एक इनकलाब की उम्मीद हम कर रहे हैं। जब हम स्कूल शुरू किए थे तो पहले ही दिन हमको एहसास था कि तलबा की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हमारा स्कूल पूरी करेगा, तो एहसास हुआ दीनी तालीम एक ज़रूरत है, तो हम दीनी तालीम शुरू कर दिए। वो बच्चे आगे बढ़े, 3rd, 4th, 5th में हिफ्ज़ मुकम्मल करे, वापस 6th में गए, 2-3 महीने के अंदर अंदर वो अपने साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस शुरू किए, वो आगे बढ़े 11th, 12th में। माशाल्लाह वो बच्चे उस ज़माने में KSET हुआ करता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेडिकल के लिए, उसमें कर्नाटका स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में हमारी पहली हाफिज़ा फारिगा बच्ची राबिया बसीन कामयाब हो गई, और ये सिलसिला आगे बढ़ा माशाल्लाह। एक मुसलसिल हमारे स्टूडेंट्स हाफिज़ बच्चे, हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के हाफिज़ बच्चे तरक्की कर रहे थे। एक तरफ हमारे हाफिज़ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ हमारे ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे। 15 साल पहले मुझे ख्याल आया ये तरीक़ेकार अगर हम हिंदुस्तान भर के हाफिज़ों के लिए अपनाएंगे तो यकीनन ज़्यादा बेहतर उसके नतायज निकलेंगे, क्योंकि हाफिज़ ज़हीन होते हैं, हाफिज़ मेहनती होते हैं। और हम फौरी ऐलान करें, प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, ऐलान किए। एक बैच आया हैदराबाद से, बेंगलोर से, हरियाणा से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्टल में हम मेहनत शुरू करें। 4 साल का प्रोग्राम बने थे, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही जब ये बच्चे 3 साल के अंदर ये प्रोग्राम मुकम्मल करे। और पहले ही बैच का एक हाफिज़ अबू सुफियान जो बेंगलोर से आया था, वहाँ के एक इमाम का बेटा जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, 25 साल से बेंगलोर में हैं, वो 3 साल के अंदर अंदर मदरसे से आया था, ज़िंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखा था, वो हमारे इस प्रोग्राम के तहत 3 साल के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब होगा। रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका MBBS आज मुकम्मल हो गया है और प्रैक्टिस भी कर रहा है, PG की तैयारी भी कर रहा है। इसके 5 छोटे भाई हाफिज़ हैं, एक के बाद वो आ रहे हैं, दूसरे को लास्ट ईयर मिल गया और 2 को इंशाल्लाह इस साल मिल जाएगा। उम्मीद है कभी मैं आऊँगा आपसे खिताब करूँगा तो बताऊँगा कि माशाल्लाह अबू सुफियान अपने 5 भाइयों यानी जुमला 6 के 6 हाफिज़ भी हैं और डॉक्टर भी हैं। इंशाल्लाह ये मुमकिन है, ये हो रहा है माशाल्लाह। 54 मदारिस में अब 2300 से ज़्यादा हाफिज़ ज्वाइन कर लिए हैं मदरसा प्लस के प्रोग्राम में, और देखते देखते 4-5 महीने में एक तब्दीली महसूस हो रही है माशाल्लाह। मेरा मानना है अगर ये तहरीक चल पड़ी तो इंशाल्लाह हमारे कोई ड्रॉप आउट नहीं रहेंगे। अब हम उसको आगे बढ़कर ये बता रहे हैं, मदरसे के ज़िम्मेदारों से, उलमाए इकराम से बात कर रहे हैं कि सिर्फ हाफिज़ नहीं, यतीम बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों को, गरीब बच्चों को मदरसों में रखो और उनको असली तालीम से जोड़ो और उनको ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ करो। गरीब बच्चे को ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करना, उसको हलाल हराम की तमीज़ सिखाना, ये फ़र्ज़ आइन है। 27,000 मदरसे हमारे मुल्क में हैं, अगर ये मदरसे थोड़ा सा काम करें और ये फ़र्ज़ आइन वाला शोबा शुरू करेंगे तो 15 लाख बच्चों के लिए मौक़े मिल सकते हैं। और ये 15 लाख का मतलब है उस एज ग्रुप के 5%, 13 साल से 18 साल उम्र के 5% स्टूडेंट्स को हम असली तालीम से जोड़ सकते हैं, उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको अच्छे माहौल में रख के उनके लाइफ स्टाइल ठीक कर सकते हैं और फिर ये आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम मुल्क भर में घूम फिर रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है, कोई ड्रॉप आउट छूटने ना पाए और कोई हाफिज़ छूटने ना पाए, इनके लिए 100% फ्री इंतज़ाम रहेगा खाने का, रहने का, पढ़ने का। इनको NIOS के ज़रिए सिर्फ 18 मंथ्स में हम 10th पास कराने का, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये गलत है। मेरा मानना है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हर एक को जो ज़रूरी है पहले वो इंतज़ाम हम करें, हर एक को जो ज़रूरी है, हर एक को ज़रूरी है हाने सिंसियर, अल्लाह से डरने वाला, माँ बाप की इज्जत करने वाला, दूसरों से हमदर्दी करने वाला बनना, ये हर एक के लिए ज़रूरी है। और ये बन जाए तो इसकी बरकत में इंशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS भी बनना आसान हो जाएगा। निकाह को आसान बनाना है, उसके लिए मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
हम निकाह को आसान बनाएंगे। इस एहसास के साथ मैं मुल्क भर के तमाम दौलतमंदों से, ख़ास तौर पर कानपुर के दौलतमंदों से रिक्वेस्ट करूंगा, निकाह को आसान बनाओ, शादियों को में खर्च ख़त्म करो, कम करो, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। इस एहसास के साथ कम से कम कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। इस एहसास के साथ कम से कम कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। इस एहसास के साथ कम से कम कि एक माहौल बने। पसंदीदा बोर्ड की तरफ से एक तहरीक चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें, फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तेदाद अजबाब और हल, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। अजीब व गरीब मगरबी तहजीब की तरफ तो लोग रागिब होते जा रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग सब तवज्जो दीजिए। और मेरी गुजारिश है, ऐसे हुफाज बच्चे, ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे अगर जहाँ कहीं हैं, हमारी वेबसाइट बहुत आसानी से आप याद रखेंगे, madrasaplus.org, madrasaplus.org पे जाइए, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रमज़ान के बाद हम और मज़ीद ब्रांचेस शुरू करना चाह रहे हैं। कोशिश कीजिए कि एक भी तालिब इल्म छूटने ना पाए, ये नस्ल बन जाए, ये नस्ल ताकतवर हो जाए तो हमारा फ्यूचर ताकतवर है। ये नस्ल देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बनना है और देश पे बोझ नहीं बनना है। हमारा देश यंग इंडिया इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के नौजवान ज़्यादा हैं। ये नौजवान तालीम याफ्ता हो जाएं, तहजीब याफ्ता हो जाएं और सेहत में अच्छी हुए तो हमारे देश में वो पावर है, आज भी वो पावर है कि ये देश, हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। हम कंट्रीब्यूट करने वाले बने, हमारी नस्ल को देने वाला बनाएंगे, लेने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहिए और उसको ताकतवर बनाना चाहिए।